हैं, हम बात कर रहे हैं भारी भरकम शरीर वाले हिप्पो के बारे में, जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता है। ये जंगल का एक ऐसा शैतान है जो अपने जबड़े से अगर किसी को भी पकड़ ले तो फिर उसका कचूमर निकाल कर ही दम लेता है। इसके पहले हमने आपको हिप्पो के पार्ट 1 वाले वीडियो में दिखाया था कि किस तरह हिप्पो ने एंटीलोप, वाइल्ड डॉग और एक शेर को भी जंग के मैदान में ढेर कर दिया था। लेकिन हमारा हिप्पो का पार्ट 2 वाला ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हिप्पो इस बार कुछ ऐसे कारनामे करके दिखाने वाला है जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। तो बिना कोई वक्त गवाए चलते हैं इसके हमलों की तरफ। हिप्पो अटैक क्रोकोडाइल। हिप्पो और मगरमच्छ अपना अधिकांश समय पानी में ही बिताना पसंद करते हैं, और यही वजह है कि पानी में इनके बीच मुकाबला होना आम बात है। यहाँ आज फिर से हिप्पो और मगरमच्छ एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो इस वीडियो को देखकर ही पता चलेगा। इन हिप्पो के विशाल झुंड के बीच एक मगरमच्छ बुरी तरह से फंसा हुआ है और इनसे बचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मगरमच्छ यहाँ कैसे पहुँचा ये बात बताना तो काफी मुश्किल है, लेकिन इसकी हालत को देखकर तो कहा ही जा सकता है कि आज इसका दिन बहुत ही खराब होने वाला है, क्योंकि जिस तरह हिप्पो का झुंड इस पर हमला कर रहा है उससे इसके बचने के आसार काफी कम नजर आ रहे हैं। हालांकि मगरमच्छ भी इनसे बचने के लिए पानी के अंदर डुबकी तो जरूर लगाता है, लेकिन जैसे ही ये पानी के दूसरी तरफ पहुँचता है वहाँ मौजूद हिप्पो का झुंड इसे पकड़ लेते हैं और फिर दबोचने की कोशिश करते हैं। तभी वक्त कुछ ऐसी करवट लेता है जिससे मगरमच्छ इस हिप्पो के जबड़े से छूट जाता है और फिर पानी में भागकर अपनी जान बचाता है। हिप्पो अटैक इम्पाला। हिप्पो अपने जबड़े को लगभग 20 इंच के करीब तक खोल सकता है, जिसके चलते इसका जबड़ा इतना बड़ा लगता है कि अगर गलती से भी ये किसी को पकड़ ले तो फिर उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कीचड़ में एक इम्पाला फंसी हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं किनारे पर एक शेर भी बैठा हुआ नजर आता है जो इस इम्पाला के ऊपर अपनी नजरों को गड़ाए हुए है। शेर शायद इस उम्मीद में यहाँ बैठा है कि इम्पाला के कीचड़ से निकलते ही ये उसका शिकार कर सके, लेकिन कीचड़ में मौजूद दो हिप्पो जल्द ही शेर की इस उम्मीद पर पानी फेर देते हैं, क्योंकि जैसे ही हिप्पो की नजर कीचड़ में फंसे इस इम्पाला पर पड़ती है वैसे ही एक हिप्पो इसे मारने के लिए इसके करीब आ जाता है और जल्द ही इसे पकड़ने लगता है। हालांकि पहली बार में हिप्पो इस इम्पाला को पकड़ने में नाकाम रहता है, मगर जब वो दूसरी बार इस इम्पाला के शरीर को पकड़ता है तो इम्पाला का पूरा शरीर ही इसके जबड़े में फंस जाता है। अब हिप्पो इतनी बेरहमी से इसे दबोचता है कि इम्पाला बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और कीचड़ में फंसकर अपनी जान गंवा देती है। अब हिप्पो ने इस इम्पाला के साथ ऐसा क्यों किया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इसके गुस्से को देखकर लगता है जैसे कि हिप्पो की इससे कोई पुरानी दुश्मनी हो। हिप्पो अटैक राइनो। तालाब के पास एक राइनो और दो हिप्पो आपस में भिड़ चुके हैं। राइनो इन पर हमला करने के लिए जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाता है वैसे ही हिप्पो अपने जबड़े को खोलकर खड़े हो जाते हैं, जिससे डरकर राइनो थोड़ा पीछे हटने लगता है, क्योंकि शायद राइनो जानता है कि हिप्पो कभी भी उस पर भारी पड़ सकते हैं, इसलिए ये अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे खींचता रहता है। मगर इस बीच एक हिप्पो इस राइनो के ऊपर अपने डर को कायम रखना चाह रहा है, इसलिए ये अपने जबड़ों से लगातार इसे डराता रहता है। थोड़ी देर तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन फिर अचानक एक हिप्पो इस राइनो के ऊपर हमला कर देता है और इसे तालाब में पटक कर दबोचने लगता है। हिप्पो अब इस राइनो को पूरी तरह अपने मुंह से जकड़ लेता है और इसे मारने में लग जाता है। हिप्पो अटैक एलिफेंट। इस मैदान में कुछ हाथी अपने झुंड के साथ मौजूद हैं, तो वहीं एक हिप्पो भी मैदान में घास खा रहा है। इसी बीच दो हाथी जल्द ही इस हिप्पो के थोड़ा करीब आते हैं और इसे अकेला पाकर इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर हिप्पो भी इनसे डरने की बजाय इनसे लड़ना ही बेहतर समझता है और इसके लिए अपने जबड़ों को खोलकर उन्हें डराने लगता है। हालांकि हिप्पो के डर से हाथी का एक बच्चा तो जरूर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये दोनों हाथी अभी भी चट्टान की तरह उसके सामने खड़े रहते हैं। हिप्पो लगातार इन हाथियों को डराने में लगा रहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जल्द ही ये दोनों हाथी भी यहाँ से भाग खड़े होते हैं। हिप्पो अटैक बफेलो। हिप्पो को अगर हम जंगल का सबसे गुस्सैल जानवर कहें तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हिप्पो को कब और किस बात पर गुस्सा आ जाए इस बात को खुद हिप्पो भी नहीं जानता। यहाँ एक हिप्पो के सामने भैंस का बड़ा झुंड मौजूद है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पानी में जाने को लेकर दोनों पार्टी एक दूसरे का रास्ता रोक रही है। तभी यहाँ एक भैंस हिप्पो के सामने से गुजरती है, जिसके बाद हिप्पो उस भैंस को डराकर थोड़ी दूर कर देता है, मगर अभी भी कुछ भैंस इस हिप्पो के सामने मौजूद हैं, जो हिप्पो के आगे बढ़ते ही यहाँ से भागने लगती हैं। हिप्पो का खौफ इन भैंस के अंदर इतना ज्यादा है कि हिप्पो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे भैंस भी इसके आगे से हटने लगती हैं। हालांकि इस दौरान एक भैंस हिप्पो को अपने सिंग से डराने की कोशिश तो जरूर करती है, लेकिन हिप्पो उससे डरने की बजाय और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है और इन सारी भैंसों को यहाँ से खदेड़ देता है। बेबी हिप्पो एस्केप प्लान।
यहाँ शेर एक बेबी हिप्पो से भिड़ने की सोच रहा है। इसके लिए जैसे ही ये अपने कदमों को बढ़ाता है, वैसे ही हिप्पो इसके सामने से इसे ही डराने लगता है, जिसे देख मजबूरन शेर को ही अपने कदमों को पीछे खींचना पड़ता है। वैसे तो शेर के लिए इस बेबी हिप्पो को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज ये शेर के ऊपर हमला कर रहा है, उसे देखकर लगता नहीं कि हिप्पो इसका शिकार बनने वाला है। हालांकि शेर भी कुछ देर रुकने के बाद इस हिप्पो पर हमला तो जरूर करता है, लेकिन हिप्पो यहाँ से भागकर पास ही में मौजूद अपनी माँ के पास चला जाता है और अपनी जान बचा लेता है। हिप्पो किल एंटीलोप। वैसे तो हिप्पो एक शाकाहारी जानवर है जो ज्यादातर घास फूस खाकर अपना जीवन गुजारता है। हालांकि इसे बाकी जानवरों की तरह शिकार पर निकलने की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार इसे दूसरे जानवरों को मारते देखा जा सकता है। यहाँ दो जंगली कुत्ते एक एंटीलोप के कान को पकड़कर खींच रहे हैं। इसी बीच कुछ और कुत्ते भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस एंटीलोप के शरीर को नोचने लगते हैं। अब कुछ कुत्ते इसे आगे की तरफ से खींच रहे हैं, तो वही एक कुत्ता इसे पीछे से दबोचने में लगा रहता है। इतने में वही पास में खड़ा एक हिप्पो इस नजारे को देखता रहता है और अचानक ही इन कुत्तों पर हमला कर देता है। हिप्पो का हमला इतना जोरदार था कि सारे कुत्ते यहाँ से भाग खड़े होते हैं और इस दौरान एंटीलोप को बचने का मौका मिल जाता है। हालांकि एंटीलोप के ऊपर से खतरा अभी भी कुछ कम नहीं हुआ है, क्योंकि वो जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़ता है तो कीचड़ में फंस जाता है। इतनी देर में कुत्तों का झुंड फिर से यहाँ पहुँच जाता है और इसे कीचड़ से निकालने में लग जाता है। मगर इतना सब कुछ देखकर इस हिप्पो का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है और ये एंटीलोप को पकड़कर मारने लगता है। हिप्पो इस एंटीलोप को इतनी बुरी तरह दबोचता है कि जल्दी इसकी मौत हो जाती है और जंगली कुत्ते उसे उठाकर चले जाते हैं। हिप्पो वर्सेस हिप्पो। हिप्पो को दूसरे जानवरों से लड़ते हुए तो आपने बहुत देख लिया, अब जरा एक ऐसे क्लिप की ओर नजर डालते हैं जहां हिप्पो खुद ही आपस में भिड़ने वाले हैं। हालांकि इस जंग में जीत और हार तो आखिरकार हिप्पो की ही होगी, लेकिन इस नजारे को देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। यहां दो हिप्पो एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, जिनमें से एक हिप्पो को जैसे ही थोड़ा खतरा महसूस होता है, वैसे ही वो दौड़ता हुआ एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाता है। मगर इतने में दूसरा हिप्पो भी इस हिप्पो के पीछे दौड़ने लगता है और इस हिप्पो के ऊपर हमला कर देता है। अब दोनों हिप्पो अपने जबड़े को खोलकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को डराने लगते हैं। थोड़ी देर तक तो इनकी ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है और फिर ये दोनों शांत हो जाते हैं, लेकिन लगता है कि पीछे वाला हिप्पो अभी भी दूसरे हिप्पो से अपना हिसाब चुकाना चाहता है। इसीलिए जैसे ही आगे वाला हिप्पो यहां से जाने की कोशिश करता है, वैसे ही पीछे वाला हिप्पो इस पर हमला कर देता है। अब देखते ही देखते इनकी ये लड़ाई एक भयानक रूप ले लेती है और ये दोनों एक दूसरे के सामने अपने जबड़े को खोलकर लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, भारी भरकम शरीर वाला हिप्पो जब अपने पर आ जाए तो जंगल में किसी भी जानवर से भिड़ने की ताकत रखता है, क्योंकि हिप्पो का दिमाग जब घूमता है तो ये इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि उसके सामने कौन सा जानवर खड़ा है। वैसे आपको इनका कौन सा हमला सबसे खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।